नमस्कार दोस्तों, इस शिशु आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो लेकर आई हो भाई ISL की एक बेहतरीन वीडियो, जहाँ हम बात करेंगे भाई नोटिस यूनाइटेड FC ने नई फॉरन प्लेयर को साइन किया, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मजेदार होने वाला है, चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। देखते डिटेल्स में, सिर्फ इधर नोटिस यूनाइटेड FC के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ, AT के, गोवा के और बहुत सारे अपडेट है, चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ भाई। देखते डिटेल्स में और भाई आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी ही फेवरेट चैनल ETC स्टूडियो में, चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। देखते हैं डिटेल्स में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहला जो अपडेट निकल के रहा है वो है 26 जनवरी को, यानी कि कल जो हमें मैच देखने को मिलेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। ISL के बारे में अगर बात करें, कल के ISL मैच जो कि FC गोवा और ईस्ट बंगाल के बीच होने वाला है, जहां अगर बात करें FC गोवा टॉप 5 में है और वही अगर बात करें ईस्ट बंगाल इस टाइम पे 9 नंबर पोजीशन पे है। पॉइंट्स टेबल के हिसाब से अगर देखा जाए तो FC गोवा काफ़ी अच्छा खेल दिखा रहा है और FC गोवा की बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि भाई आगे क्वालिफाई होने के लिए। तो ये था पहला अपडेट। सेकेंड जो अपडेट निकल के आ रहा है वो है ATK मोहन बगान जी, हाँ, एक नए फॉरेन प्लेयर को साइन किया, जहां अगर देखा जाए एक मिडफील्डर है, 28 इयर्स के एज है और इससे पहले जो कि हमें गोवा से देखने को मिला था भाई गोवा में, और ये प्लेयर गोवा से बिलोंग करते हैं। अगर बात करें इस प्लेयर के नाम जो कि ग्लेन मार्टिन, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेयर है, तो ये प्लेयर आगे जाकर हमें देखने को मिलेगा ATK मोहन बगान में। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रहा है वो है गुड न्यूज़ फॉर भाई ODI फैन के लिए, या फिर अगर बात करें जो कि टीम इंडिया की फैन है, क्रिकेट की फैन है, उनके लिए गुड न्यूज़ है। इस टाइम पे अगर बात करें ODI में रैंकिंग नंबर 1 पे है इंडिया, जहां अगर देखा जाए इंडिया ने बहुत अच्छा खेल दिखाया, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट जो निकल के आ रहा है वो है भाई जेनी के बारे में, जो कि री साइनिंग हो चुका है FC गोवा में, देखने को मिलेगा। जेनी रोड्रिगेज एक बहुत अच्छा प्लेयर है और ये प्लेयर जो कि री साइनिंग हो चुका है FC गोवा में, जी हाँ, आगे जाके इस प्लेयर को देखने को मिलेगा। ये प्लेयर जो कि है भाई एक मिडफील्डर है, 35 ईयर्स की एज है और इससे पहले जो कि हमें ATK मोहन बगान में देखने को मिला था और आगे जाके FC गोवा में जो कि खेलने वाला है, और ये भी प्लेयर जो कि गोवा से ही बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। नेक्स्ट अगर बात करें भाई 29 जनवरी को हमें खेल देखने को मिलेगा नोटिस यूनाइटेड FC और केरला ब्लास्टर के बीच, जहां अगर देखा जाए नोटिस यूनाइटेड FC बहुत अच्छा खेलना होगा। नोटिस यूनाइटेड FC इस टाइम पे बहुत नीचे है, तो नोटिस यूनाइटेड FC को बेहतर खेल दिखाना होगा। अभी हम बात करते हैं भाई नोटिस यूनाइटेड FC की फॉरेन प्लेयर के बारे में। नोटिस यूनाइटेड FC ने फॉरेन प्लेयर साइन किया। नोटिस यूनाइटेड FC में अभी तक अगर देखा जाए 3-4 फॉरेन प्लेयर साइन हो चुका है। वही अगर बात करें अभी फिलहाल जो कि हाल ही में एक प्लेयर साइन हुआ जो कि बहुत अच्छा प्लेयर है, अगर बात करें इस प्लेयर के बारे में जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, 32 ईयर्स की एज है, अटैकिंग मिड प्लेयर है और 2010 से जो कि ये प्लेयर भाई फुटबॉल के करियर में हमें देखने को मिला। हर बार की तरह इस बार भी नोटिस यूनाइटेड FC एक बेहतरीन प्लेयर ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार थोड़ी सी पहले से कोशिश कर रहा है, तो ये थोड़ा सा आगे जाके प्लस पॉइंट होने वाला है। देखिए अगर बाहर गए नोटिस यूनाइटेड FC ने साइन किया जोसेफा बेटिया, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेयर है और आगे जाके इस प्लेयर को देखने को मिलेगा, जो कि राजस्थान यूनिट में खेलते आ रहे थे और ये प्लेयर जो कि स्पेनिश प्लेयर है, नोटिस यूनाइटेड FC ने साइन किया। तो ये था नोटिस यूनाइटेड FC की तरफ से भाई एक बेहतरीन अपडेट, जो कि एक गुड न्यूज़ है। तो ये था आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।